dear students, assalamu alaikum. as you know that everything has to be registered within quickbooks if we want to use it. same is the case with a price level list. now you may ask what a price level list is. let me explain. what happens is every item has a base price which you set when you create a item. सेल्स प्राइस मत करेंगे और वो हम रजिस्ट्रेशन के वक्त दे देंगे होता ये है कि ये बेस प्राइस है जिस पे हम आम तौर पे ये चीज़ बेचा करेंगे लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जिस पे हम इसके ऊपर या नहीं तो हमें कोई डिस्काउंट देना पड़ता है या बज दफ़ा इस प्राइस से ज़्यादा इसे बेचना पड़ता है जब भी ऐसा मौका आएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि हम ऑटोमेटिकली इस प्राइस में रद्द बदल कर सकें लेकिन बेस प्राइस हमारी अपनी जगह से ना हिले अगर हमें हमेशा प्राइस को तब्दील करने के लिए किसी कस्टमर के लिए उसे बढ़ाना पड़ रहा है और किसी कस्टमर के लिए बेस प्राइस को कम करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन में तो ये एक बहुत ही मुश्किल मरला हो जाएगा और हमारी प्राइस बार बार हिलती रहेगी ऊपर या नीचे इसका तरीक़ार ये होता है कि हम अपने क्विक बुक्स में बेस प्राइस लिस्ट का जो ऑप्शन है उसे ऑन करें नंबर वन और उसके ऊपर या कोई डिस्काउंट दें या उसको इंक्रीज़ करें ये सारे ऑप्शन एक ही वक्त में आपको नज़र आएंगे और आपके पास ये सहूलत होगी कि आप या बेस प्राइस इस्तेमाल कर लें जो कि डिफ़ॉल्ट प्राइस है या इसको इंक्रीज़ कर लें या डिक्रीज़ कर लें आप ये भी कर सकते हैं कि, कि कस्टमर के साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज़ असाइन कर दें कि कैसे होगा क्यों होगा ये भी आप सुन लें होता ये है कि बाज़ दफ़ा एक चीज़ जो हम रिटेल पे अपने कस्टमर को बेच रहे होते हैं उसकी बेस प्राइस फिक्स्ड होती है जो कि तमाम और दुकानों पे भी मिल रही होती है लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो थोक में या होल में हमसे वो चीज़ मांगता है तो हम उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं और वो डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है पांच परसेंट दस परसेंट लेकिन ये तमाम डिस्काउंट हमारी मेन प्राइस के ऊपर होता है अगर मेन प्राइस सौ है और हमने उसे दस परसेंट डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब है हम उसे ये चीज़ नब्बे रुपए की दे रहे हैं इसी तरह बास कस्टमर हमें ये कहते हैं कि आप हमें ये चीज़ हमारे पास पहुंचा के दें जब आप उस चीज़ को पहुंचा के देंगे तो आप बेस प्राइस पे उसको ये चीज़ नहीं दे पाएंगे क्यों क्योंकि आपने उसको पहुंचाने की जो कीमत है वो भी शामिल करनी है उसका एक तरीका तो यह है कि आप हॉलेज का एक नया हेड बनाएं और वो शामिल करें दूसरा ये है सबसे आसान कि आप अपनी बेस प्राइस में कोई इंक्रीज करें परसेंटेज और उस नई प्राइस पे उसको पहुंच भी दे दें और हो सकता है कि ये चीज़ आपकी इंक्रीज ऑफ़ टेन परसेंट ओवर आपका बेस प्राइस रेट तो ये तमाम प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन जो कि पॉसिबल हैं हम अपने पास सिस्टम में भी रख सकते हैं और हम इसको जब भी ज़रूरत पड़े अपने कस्टमर के साथ भी अटैच कर सकते हैं अगर कस्टमर हमारा शहर में है और वो नॉर्मल रेट पे हमसे लेता है तो हमने उसके साथ बेस पर प्राइस अटैच कर देनी अगर वो हमेशा हमसे उसने बात की हुई है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं कमर्शियल होल रेट पर आपसे दिया करूँगा टेन डिस्काउंट पर तो हम उसे पहले ही बता देंगे कि ये जब भी कस्टमर आएगा बेस प्राइस के टेन परसेंट पे हमने इसको चार्ज करना है अगर आपका कोई आउट ऑफ सिटी कस्टमर है जिसको हमने सप्लाई भिजवानी है तो हमने उससे पहली बात की भी होगी कि हमने तुम्हें जो भी इन्वाइस की प्राइस होगी उससे टेन परसेंट एक्स्ट्रा पे हम तुमको चीज़ दिया करेंगे और ये पहुँच के साथ है तो ये तमाम चीज़ें जो कि एक प्राइस से लिंक्ड हैं इसको क्विक बुक्स में कैसे हैंडल किया जाता है आइए चल के देखते हैं आइए देखते हैं कि हमें ये प्राइस लेवल लिस्ट का सारा काम किस तरह से करना है जब हम कोई इन्वाइस क्रिएट करने जाएंगे और कोई अपना आइटम चूज़ करते हैं तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आती है इसमें हमने कैबिनेट पोल्स की आइटम चूज़ की है लेकिन रेट अगर आप देखें तो रेट हमारा फिक्स्ड ही चला आ रहा है इसको हम चेंज नहीं कर सकते इसकी वजह यह है कि हमने अपने पास जो प्रेफरेंस है उसमें अभी प्राइस लेवल लिस्ट को ऑन नहीं किया है ऑन करने का तरीका ये है कि आप एडिट में जाएँ प्रेफरेंसेज में जाएँ और आप जाएँ एंड कस्टमर्स में कंपनी प्रेफरेंस में जाएँ और इनेबल करें प्राइस लेवल्स को जैसे ही आप इसको इनेबल करके ओके करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन सारी शट डाउन होगी और दोबारा से रीस्टार्ट होगी आप आपके प्रेफरेंसेस इन हो गए हैं और अब वो चल रहे हैं दोबारा से हम अपने पास होम स्क्रीन पे आते हैं और आइए अब देखते हैं कि जब हमने अपनी प्राइस लेवल लिस्ट को प्रेफरेंस में जाके ऑन कर लिया है तो उसका अफेक्ट हमारे पास क्या होता है इस इनवॉइस में हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं इसके लिए हमने सीमेंट सेलेक्ट किया और जब हम रेट लिस्ट में जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पहले से चंद प्राइसेस या कोई फॉर्मूले के तहत प्राइस लिस्ट में चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें बेस सेल्स प्राइस आपको नज़र आ रही है 350 कमर्शियल सेल प्राइस 315 इंडस्ट्रियल 297 और रेजिडेंशियल 332.5 ये बेस प्राइस के ऊपर मुख्तफ कस्म के डिस्काउंट्स हैं हम अपनी पसंद का इसके ऊपर डिस्काउंट लेना चाहेंगे और उसको हमने रजिस्टर भी करना चाहेंगे तो हम चल के देखते हैं कि हमने ये काम करना कैसे हमने जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले लिस्ट में जाना है और ये जो चीज़ हमने इसके लिए सेलेक्ट करनी है वो है प्राइस लेवल लिस्ट प्राइस लेवल लिस्ट में पहले से चंद आइटम मौजूद हैं वो हम देखे लेते हैं जिसमें कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल और दूसरी भी चीज़ें शामिल हैं लेकिन हमने ये चीज़ अपनी पसंद से करनी है और एक नई प्राइस लेवल लिस्ट हम डिफाइन किए देते हैं पहली चीज़ जो हम अपने कस्टमर को देना चाह रहे हैं वो है एक डिस्काउंट जिसका नाम भी हम डिस्काउंट ही रखेंगे ये डिस्काउंट होगा टेन परसेंट का और ये हम देंगे अपने उन कस्टमर्स को जो होल सेल में हमसे चीज़ लेंगे दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि दिस प्राइस लेवल विल डिक्रीज या इनक्रीज इन आर केस फॉर द मोमेंट दिस इज़ गोइंग टू डिक्रीज द प्राइस बाई टेन परसेंट तीसरी चीज़ वो पूछ रहा है कि क्या ये नियरेस्ट पचास पैसे एक रुपए किसके ऊपर ये राउंड हुआ अभी हम इसे कहते हैं नो राउंडिंग राउंडिंग ना करें जैसा है वैसे ही दिखाए और हम इसको ओके okay कर देते हैं हम अपनी सहूलत के लिए एक और आइटम भी बना लेते हैं इसका नाम है जी विथ ट्रांसपोर्ट जब हम ट्रांसपोर्ट भी देंगे तो हमारी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और वो इंक्रीज है बाई टेन परसेंट इसका मतलब ये है कि हमारी बेस प्राइस से ये प्राइस टेन परसेंट ज़्यादा होगी इसको भी हम सेव कर लेते हैं अब हमारे पास दो नए प्राइस लेवल लिस्ट की चीज़ें आ गई हैं विथ ट्रांसपोर्ट और डिस्काउंट टेन परसेंट अब देखते हैं हम कि हमारे पास इन में ये चीज़ें किस तरीके से नज़र आ रही अगर आपने इसकी जगह जो कि इसकी बेस प्राइस है पचास डिस्काउंट वाला आइटम चूज किया तो ऑटोमेटिक आपका रेट दस परसेंट गिर जाएगा जितनी भी आप क्वांटिटी देंगे उसको टेन परसेंट डिस्काउंट में मिलेगी और इसी तरह अगर आपने यह चीज हमने विद हॉलेज या विद ट्रांसपोर्ट उसको देनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां रेट में जो चीज चूज करनी है वो है विद ट्रांसपोर्ट जब आपने विद ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लिया तो याद रहे ऑटोमेटिकली हमने वहाँ क्या किया था विथ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये था कि हमारी बेस प्राइस से टेन परसेंट ज़्यादा प्राइस होगी तो इसने उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा दी बेस प्राइस हमारी फ़िक्स्ड एक है हमने उसी के ऊपर परसेंटेज वाइज बदल किया है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्लाइंट एंड वेयर ही इज़ लोकेटेड किस किस्म का हम हमारा जो कस्टमर है क्या वो हमसे रेजिडेंस के लिए ले रहा है या वो किसी इंडस्ट्रियल पैमाने पे बहुत ज़्यादा ख़रीद रहा है या उसको हमने पहुंच भी साथ साथ देनी है ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है प्राइसिंग की और वो प्राइसिंग बजाय इसके कि हम जाके आइटम पे बार बार चेंज करें हमने उसकी परसेंटेज डिफाइन कर ली है विच आर और लिंक्ड विद आर मेन बेस प्राइस एक प्राइस के साथ ये तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं दस परसेंट नीचे पाँच परसेंट नीचे दस परसेंट ऊपर पाँच परसेंट जो चीज़ हम डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली बेस प्राइस के साथ कनेक्ट होके ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी जैसे हमने इसको जो चीज़ सेलेक्ट की थी वो थी विथ ट्रांसपोर्ट ये बढ़ गई बेस प्राइस थ्री फिफ्टी हो गई विथ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट हो गई हमने उस बेस प्राइस के साथ जो भी उतार या चढ़ाव था ऑटोमेटिक सिस्टम को करने दिया आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम जा के अपने कस्टमर को असाइन करना चाहें कि इस कस्टमर के साथ जब भी हम बिजनेस डीलिंग करेंगे तो हमने इसको कोई डिस्काउंट देना है या अगर ये दूर दराज का बंदा है तो क्या हमने इसके साथ जो भी बिज़नेस करना है उसमें इससे हॉलेज या ट्रांसपोर्ट के पैसे भी लेने हैं वो भी हम रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस कस्टमर के साथ अटैच कर सकते हैं आइए देखते हैं कैसे कस्टमर सेंटर में हमें जाना है सबसे पहले आप वहाँ से क्लिक करके कस्टमर सेंटर में आ जाएं या ऊपर कस्टमर वाला बटन दबा दें या कस्टमर यहाँ से आ जाएं इन तमाम से हम इस कस्टमर इंफॉर्मेशन सेंटर में पहुँचेंगे अब बेकर क्रिस को हम एक किस्म का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारा पुराना कस्टमर है और जहाँ हम ये डिस्काउंट देंगे उधर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पेमेंट की सेटिंग है वो इसके साथ किस तरीके से हमने सेट करनी है पेमेंट सेटिंग में हमने उसको टर्म्स भी बताए हुए हैं प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड जो भी उसका चेक है वो भी बताया हुआ है लेकिन ये वो खाना था जो हमने पिछली दफ़ा ख़ाली छोड़ा हुआ था अब क्योंकि हमने पेमेंट लेवल प्राइस लेवल सेट कर दिया है उसे इन्वोक कर दिया है प्रेफरेंस में ऑन कर दिया है उसके अंदर डेटा डाल दिया है रजिस्ट्रेशन कर दिया है अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम जो हमने वहाँ डिफ़ाइन किए हुए हैं चीज़ें मौजूद हैं और अभी जो बिल्कुल हाल ही में हमने डिफ़ाइन की डिस्काउंट टेन परसेंट और विद ट्रांसपोर्ट ये दोनों यहाँ मौजूद है विद ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कि प्लस टेन परसेंट है और डिस्काउंट इसका मतलब है माइनस टेन परसेंट एक दफ़ा इनमें से आप कोई भी लेवल सेट कर दें उसके बाद जब भी आप ये वाला कस्टमर उठाएंगे तो हमेशा उसको वो सहूलत मैसर आ जाएगी ऑटोमेटिकली आइए देखते हैं इसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं टेन परसेंट का अब हम अपने इस कस्टमर के लिए इन बनाएंगे और हम आइटम चूज करेंगे और आइटम याद रखें कि जो हम आइटम चूज करेंगे उसके ऊपर हमने बाय डिफॉल्ट अपने इस कस्टमर को दिया हुआ है एक डिस्काउंट टेन परसेंट इसके पास जो रेट आ रहा है वो आ रहा है तीन सौ पंद्रह अब हम देखना चाहेंगे कि वाकई डिस्काउंटेड प्राइस आई है या नहीं उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसकी बेस प्राइस क्या है आइए इसकी बेस प्राइस देखते हैं बेस सेल्स प्राइस जो हमने वहाँ अपने सिस्टम में इसकी सेलिंग प्राइस दी है दैट इज़ थ्री फिफ्टी और वो जो हमें इस वक्त स्क्रीन पे रेट दिखा रहा है वो तीन सौ पंद्रह है इसका मतलब ये है कि जो टेन परसेंट डिस्काउंट यानी कि पैंतीस रुपये का डिस्काउंट हमने इसको देना है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया है

हमें बार बार जाके अगर प्राइस ही छेड़नी पड़े उसे ठीक करना पड़े हर नई इन्वाइस के लिए तो ये बहुत कम काम है हम बेस अपनी बेस प्राइस एक फ़िक्स रखते हैं और उसको फिक्स रखते हुए उसके ऊपर या परसेंटेज इंक्रीज लगाते हैं या परसेंटेज डिक्रीज लगाते हैं ये तमाम सहूलत ऑटोमेटिकली हमें सिस्टम दे रहा है हम जितने टाइप ऑफ उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं वो सारे रजिस्टर कर लें जितने टाइप ऑफ इंक्रीजेज़ हमें करनी है वो सारी रजिस्टर कर लें और बेस प्राइस पे जाके हम वो ड्रॉपडाउन लिस्ट लें और अगर हमने बेस प्राइस के अलावा कोई भी और डिस्काउंट या रेस उस पर लगाना है उसको चूज़ कर लें सिस्टम ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन जो भी परसेंटेज हमने बैग में उसे रजिस्टर करवाई हुई है उस पर वो रेट सेट कर देगा ये तरीक़ार होता है हमारा क्विक बुक्स में आसानी के साथ रेट को मेनिपुलेट करने का राधा दहैन के बार बार आइटम के रजिस्ट्रेशन में जाके उसके रेट को हम चेंज करते रहे सो दिस इज हाउ क्विक बुक्स फेसिलिटेट अ यूजर इन गिविंग मल्टीपल रेट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स एज पर देर चॉइस और एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट विद देम थैंक यू वेरी मच